नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं आपका दोस्त भारत जांगिड आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं LG 42 इंची LED TV का हमारा सेकंड पार्ट। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि LED बैकलाइट लगाने के बाद में आपको पैनल किस टाइप से सेट करना है, क्या क्या सावधानी रखनी होती है दोस्तों, और कुछ खास बातें जो कि LED बैकलाइट रिप्लेसमेंट में आपको रखनी होती है। तो दोस्तों हमने देखिए इसमें जो नई LED स्ट्रिप है वो लगा दिए दोस्तों 42 इंची या 40 इंच के अंदर। दोस्तों दो पार्ट में LED बैकलाइट आती है, ये देखिए दो पार्ट में होती है ए और बी। तो दोस्तों ये ए वाला पार्ट है इसका, जिसमें कि चार लाइट लगी हुई है, ये देखिए ए इस पे बिल्कुल मार्क हुआ रखा है ये चार लाइट के बाद में। दोस्तों इसमें बीच में ज्वाइंट और ये देखिए लास्ट में इसका ये बी वाला मार्क है, और बीच में दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको ये दोनों का देखिए ज्वाइंट है यहाँ पे, जो दोनों मेल फीमेल आराम से सेट हो जाते हैं दोनों बैकलाइट। तो दोस्तों इसी टाइप की इसके अंदर हमने सभी बैकलाइट ओरिजिनल बिल्कुल इसके अंदर हमने चेंज की है। तो हमने दोस्तों ये देखिए सभी बैकलाइट इसकी चेंज कर दिए हैं इसी टाइप से, और इसका जो रिफ्लेक्टर पेपर है उसको भी हमने सेट कर दिया है। इसका हमने वीडियो दोस्तों बनाया नहीं क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाता है पेस्टिंग में और इनको चेंज करने में, बाकी इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कोई इश्यू है नहीं। तो दोस्तों इसके बाद में देखिए जो इसमें आपको जो प्लास्टिक के ये कांटे से नज़र आ रहे हैं बीच बीच में, इनको भी आपको ज़रूर लगाना है। और ये देखिए एकदम हम आपको एक बार पैनल पैक करने से पहले बैकलाइट ज़रूर ग्लो करके देखनी चाहिए दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रही है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस टाइप का जो भी हमारा नॉलेजफुल वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। और हमारे चैनल पर आपको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों तरह की वीडियो मिल जाती हैं दोस्तों, साथ में पावर टूल्स की वीडियो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो दोस्तों बैकलाइट बिल्कुल ओके अच्छे से ग्लो कर रही है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये सिर्फ कैमरे में ही आ रही है। तो दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है जो ये कांटे टाइप के हैं, क्योंकि इनको ज़रूर लगाना है आपको, जिससे पेपर भी हमारा फिक्स रहता है, और जो ये हम रिफ्लेक्टर पेपर ऊपर से लगाते हैं इसको दोस्तों ये पैनल को नीचे से सपोर्ट देती हैं ये कांटे नीचे की तरफ से, इसको अंदर दबने नहीं देते हैं, जिससे हमारा पैनल भी सेफ रहता है और ये जो पेपर हैं बिल्कुल हमारे पैनल के बिल्कुल टच करके अच्छे से फिक्स रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में देखिए काफ़ी ध्यान से आपको पैनल को उठाना है। तो दोस्तों हमने इसको टेप से कवर किया हुआ है चारों तरफ से, तो हम इसे अकेले भी आराम से उठाकर लगा सकते हैं, हालांकि दोस्तों काफ़ी बड़ा पैनल है ये 42 इंच का, दोस्तों काफ़ी बड़ा हो जाता है पैनल, और देखिए फिर भी बैंड खा रहा है, हम काफ़ी सेफ्टी से इसको उठाया है। तो दोस्तों इसके सभी लॉकों को बिल्कुल सेट कर लेंगे चारों तरफ से बिल्कुल इस टाइप से। और दोस्तों प्रेस करते वक्त ध्यान रखें आपका जो अंगूठा है ऊपर से पैनल के ऊपर बिल्कुल टच ना करें, सिर्फ जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है उसको ही आपको पकड़ के नीचे की तरफ सभी लॉक सेट कर देने हैं। तो दोस्तों चारों तरफ के सभी लॉक हमने सेट कर दिए हैं बिल्कुल अच्छे से, देख लेना है दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ जाना चाहिए। उसके बाद में जो दोस्तों जो सेफ्टी के लिए हमने टेप लगाई थी, सभी टेप के टुकड़े हम हटा लेंगे। दोस्तों वीडियो कई जगह से फास्ट कर दिया है हमने ताकि ज़्यादा लंबा ना बने। तो दोस्तों सभी टेप हमने हटा ली है इसकी लगभग, ये देखिए ये हमने जो कॉप बॉन्डिंग वाली हमारी PCB है इनको भी सेफ रखने के लिए टेप से लगाया था। तो दोस्तों चलिए इन्हें फिक्स कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। दोस्तों इनके ऊपर आपको बिल्कुल ज़्यादा खिंचाव और बिल्कुल सेफ रखना है, कॉप आपकी बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मोड़ना भी नहीं इनको बार बार। तो दोस्तों इसके जो रबड़ वाले लॉक लगे हुए हैं उनके अंदर यहाँ से इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। दोस्तों इसके अंदर कोई पेच है नहीं, सिर्फ ये लॉक के अंदर ही रुक जाती है, कई सेटों के अंदर दोस्तों पेच भी दिए जाते हैं, बाकी इसमें ये देखिए हमने दोनों तरफ की जो कॉप PCB है इनको सेट कर दिया है। उसके बाद में ये देखिए जो T-कोन से हमारी जो इसकी केबल आ रही है जो पैनल के लिए, उनको लगा लिया है हमने दोनों को। और दोस्तों बिल्कुल अच्छे से लगाना है आपको,
बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, इसके बाद में जो इसकी फर्स्ट क्रोम है दोस्तों, बिल्कुल फ्रंट वाली, उसको हम लगाएंगे, जो कि पूरे पैनल को जो फिक्स करेगी। तो दोस्तों इसको लगाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, पैनल के ऊपर आपका बिल्कुल दबाव आना नहीं चाहिए, और इसके जो लॉक हैं बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सेट हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा सेफ्टी रखेंगे, और थोड़ा बिल्कुल आपको सारा वर्क बिल्कुल स्लोली स्लोली करना होता है। ये देखिए, इसके बाद में जो हमारी कॉक पीसीबी लगी हुई है, उनकी सेफ्टी के लिए अलग से एक इसमें पत्ती लगाई हुई है। उसको सेट करने के बाद में हमने यहाँ पे इसके पेच लगाना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, और चारों तरफ के सभी पेच हमें इसमें टाइट कर लेने हैं। पेचों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जहाँ पे लंबे पेच हैं वहीं पे उसके लंबे पेच लगाने हैं आपको, और छोटे पेच हैं वहाँ पे ही आपको छोटे पेच लगाने। नीचे के दोस्तों ये तीन पेच हैं जो कि लंबे दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें जो नीचे पत्ती दी हुई है ये भी इसी के अंदर कवर होती है, तो ये वाले पेच हमारे लंबे हैं, बाकी सभी पेच छोटे हैं इसमें। तो दोस्तों सभी पेच लगा लेने हैं हमें फटाफट से। दोस्तों सभी पेच लगाने के बाद में एलईडी को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद में देखिए, जो स्पीकर है इसका, लेफ्ट और राइट दोनों स्पीकर हम इसमें सेट कर लेंगे। ये राइट वाला स्पीकर है हमारा इसका दोस्तों। ये देखिए, जो आईआर इंडिकेटर और जो इसका जॉयस्टिक है उसकी जो, ये देखिए उसकी केबल भी हमने लगाकर यहाँ पे फिक्स कर दी है। इसके बाद में इसे हम सेट कर देंगे और इसके पेच भी लगाएंगे। तो दोस्तों इसके जो अंदर के पेच हैं, दोनों पेच बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइट करने हैं आपको। ये कॉप सेफ्टी वाली जो हमारी पत्ती लगी थी उसमें भी दोस्तों यहाँ पे दो पेच लगेंगे पीछे की तरफ, वो भी हमने लगा दिए। चलिए जो इसका पीवीसी बैक है उसको फिक्स कर देंगे। उसको लगाने के बाद में दोस्तों इसके जो पेच हैं हमारे, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पेच हैं इस एलईडी के अंदर, इतने ज़्यादा पेच जल्दी से किसी मॉडल में आते नहीं हैं। बाकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है एलजी की, तो सभी पेच हम बिल्कुल टाइट कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद में पावर केबल जो हमने हटाई थी इसकी, उसको लगाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल पूरा अच्छे से प्रेस करके लगाना है, ताकि स्पार्क ना करे, लूज भी ना रहे। तो दोस्तों वीडियो लगभग कंप्लीट हो गया है, एलईडी को हम सीधा रख लेंगे। दोस्तों जगह काफ़ी कम है और सेट काफ़ी बड़ा है, तो बिल्कुल सावधानी से ही पूरा वर्क करना पड़ता है हमें। ये देखिए, एलईडी को हमने सीधा रख लिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चलिए मैं आपको इसे चलाकर चेक कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सेट ऑन हो चुका है हमारा, और एलजी का लोगो भी आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं आपको एक बार इसका जो पैनल है वो चेक कराता हूँ। नीचे से जो इसका कीबोर्ड है, ये देखिए वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है। दोस्तों मिलते हैं इसी टाइप की किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।